अगले 3-4 महीने बाद वहीं जाना है मेरे मालिक। अयोध्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मुस्लिम, यू आर मुस्लिम जी, ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया है और अच्छा है। रामचंद्र जी का जन्म हो रहा है, ये तो हमारे के लिए, धर्म के लिए बहुत बढ़िया है, सनातनियों के लिए, और मतलब हम तो मानते हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये अच्छी बात है, इस बारे में एक विशेष बात तो है कि पूरा देश इस समय एक किसी ना किसी कड़ी से जुड़ रहा है, चाहे वो आप श्रीनगर में, आज मैंने देखा कि लाल चौक पे लेके कालका हिमाचल का सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल छोटा को हेलो बड़ा बच्चा सिकाल, होप करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो गाइस, आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ एक और ब्लॉग, न्यू डे न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये वाला ब्लॉग भाई साहब होने वाला जबरदस्त। तो गाइस, आप सबको जैसे पता ही है 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की ओपनिंग है, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओपनिंग करवाया। तो उससे हम आप पब्लिक रिएक्शन लेंगे, लोगों से विचार लेंगे, क्या विचार है उनको अयोध्या के राम मंदिर के हिसाब से, राम मंदिर में जो ओपनिंग हो रही है उससे लेंगे क्या विचार है लोगों से, आज हम पूछेंगे। और दूसरी बात, जो ये ओपनिंग हो रही है राम मंदिर की, जो हमारे मोदी जी ने करवाई है, बहुत बहुत मुबारक है सबको भाई। पहले तो चलो भाई, चलते हैं, दिखाते हैं आपको ब्लॉग, पब्लिक रिएक्शन दिखाते हैं लोगों का क्या है, राम मंदिर को लेके क्या विचार है, चलो भाई लेकर चलते हैं। ये तो हमारे के लिए, धर्म के लिए बहुत बढ़िया है, सनातनियों के लिए, और मतलब हम तो मानते हैं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर आपको पता है कि एक अगरबत्ती भी गई है, 108 उससे लेकर भी क्या विचार है आपके? बहुत अच्छा, इससे बढ़िया कोई बात ही होती है हमारे एक मतलब कोना कोना में, इससे बढ़िया और क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब खुशी का एक बार दिवाली फिर बननी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बहुत खुशी, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया है और अच्छा है। रामचंद्र जी का जन्म हो रहा है और हम लोग का बहुत खुशी है कि बहुत दिन के बाद, 500 साल के बाद श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल, एक और वाली दिवाली बनाने का मौका मिल रहा है सबको, है ना सर? राम मंदिर जो बनेगा उस दिन हम दिवाली मनाएंगे, 17 तारीख को राम मंदिर के अंदर राम जी हमारे जो थे वो गर्भगृह में प्रवेश कर गए हैं। अब हम 22 तारीख को बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके, तरीके से ऐसा होगा जैसे आज तक दिवाली नहीं मनी, ऐसी दिवाली मना रहे हैं और हम दिवाली में प्रोग्राम भी कर रहे हैं और भंडारे भी कर रहे हैं। क्या बात है, कौन से एरिया में भंडारा? दोपहर को भंडारा एल ब्लॉक मंदिर के अंदर, यहाँ पे भंडारा है ये सामने। बहुत बढ़िया, ये बात तो सुन के तो मजा ही आ गया यहाँ पे। अंकल जी, आपका क्या इसके ऊपर विचार? बहुत बढ़िया, ये प्रधान जी है हमारे। अंकल जी, तोड़क किया गया विचार? बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम। अंकल जी, आपका भी सिख जरूर है लेकिन अभी हिंदू है। अच्छा जी, है ना, सिख जरूर है लेकिन हमारे साडे साडे जेडे गुरु ने ना पहला धर्म सब एक है गे। अंकल जी, राम साहब गुरुदेव जी, बिल्कुल बिल्कुल, साडी सिख कंट्री स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने कीती है। बिल्कुल, धर्म एक है गे ने, एक है गे, मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम नहीं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उससे क्या विचार आपका अयोध्या के ऊपर? नहीं है, जो हमारे करना अच्छा है, हमारे लिए मना है, हमारे अयोध्या मंदिर बहुत खुशी की बात है। जय श्री राम। जो लोगों से विचार ले रहे हैं, हम बड़े सारे लोगों से विचार ले चुके, लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग कह रहे जबरदस्त दिवाली बनेगी इस बारी 22 तारीख को, भाई साहब हम भी दिवाली बनाएंगे। मतलब कि लोग बड़े खुश हैं इस टॉपिक पे,
अभी आगे चल रहे हैं, और लोगों से भी आपको विचार करवा के बताते हैं, जितना हो जाएगा मैं आपको विचार कराऊंगा लोगों से और लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। हम आ चुके हैं हरिनगर घंटाघर, अब यहाँ से लोगों से विचार लेते हैं, आपको दिखाते हैं। क्या पाजी टाटे की विचार है कहने? हाँ जी पाजी, हाँ जी दिवाली से जबरदस्त दिवाली बनाओ, बिल्कुल। अंकल जी आपका क्या विचार है? राम मंदिर अयोध्या में 22 तारीख को ओपनिंग है, उसके ऊपर क्या विचार आपके? पुराना ये जो 500 साल पुराना जो भी हुआ है हमारे पास, जो भी राम मंदिर बना है उससे हमें बहुत खुशी है, ऐसा सनातनी ऐसा हिंदू या जो भी कह सकते हो ऐसा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए, पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में एक बार फिर दिवाली बनेगी क्या? दिल्ली में एक बार 22 तारीख को फिर दिवाली बनेगी, जबरदस्त धूमधाम से कोई भी धर्म का हो उसे मनाना, बिल्कुल मना दे, सब धर्म एक है। थैंक यू है मेरे भाई, जो अच्छा है वो है सबको है, और क्या बिल्कुल तो हमको से बिल्कुल बिल्कुल और यही हो रहा है, अच्छा ही है हमारे देश में कुछ तो, मतलब अभी यार इसमें वो थोड़ी ही नाराज अगर मुसलमान है तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मुस्लिम जी, ग्रेट यार ग्रेट, मेरे को ये बात बोली सब धर्म एक होने चाहिए, ये चीज हमारे दिमाग में नहीं रहती है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, बिल्कुल 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 ग्रेट, हमारे देश में हो रहा है हम इस चीज से नाराज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खुश है, मतलब ये सोच के यार कुछ कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है दिल्ली में, वही तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, हो सकता है जहाँ तक है हमारी बिल्कुल कोई मदद करने की बात पड़ेगी तो कर भी सकते हैं, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा लगा सर आपकी बात सुन के, हो सके दिल्ली को नंबर 1 पे लाके दिखाएंगे, अभी जो टॉप 5 पे है। ये चीज हर इंसान कहता है कि हिंदू क्या मुसलमान, ये चीज बेकार है, बेकार है बिल्कुल बिल्कुल, इंसान है तो ना चाहिए बंदे को, बिल्कुल सर बिल्कुल, ये अच्छी बात है। इस बारे में एक विशेष बात तो है कि पूरा देश इस समय एक किसी ना किसी कड़ी से जुड़ रहा है, चाहे वो आप श्रीनगर में आज मैंने देखा कि लाल चौक से लेके कालका हिमाचल वगैरह सबने या उत्तर प्रदेश में सबने अपने घरों में बहुत रोशनी रखी, तो इस खास बात से एक देश कम से कम एकजुटता तो दिखा रहा है, और वो और राम भगवान सबकी आस्था का प्रतीक है हिंदुओं के लिए विशेषकर, और भारतीय संस्कृति को भी मिली जुली है, तो इसमें सभी के लिए एक अच्छा है कि सब आपस में जुड़ाव महसूस कर रहे हैं उस चीज़ से, बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब कि 22 तारीख को दिवाली फिर बनेगी। हाँ ये तो मैं क्या सारे लोग कह रहे हैं, किसी दुकान पे जाता हूँ तो पूछता हूँ, ये अच्छी गल है, ये राम मंदिर का हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, रिलीजन अपने हिसाब ना चल रहे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ अपा किसी रिलीजन हमारे कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल, आदर कर सकते हैं सब धर्म एक आगे ने, क्यों अंकल जी तुहाडे की विचार ने? बिल्कुल ठीक है, सारे रब दे बनाए बंदे ने, जिथे सिर मिलदे सारिया दे मिलान, बिलकुल सब एक धर्म आ गए ने, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम, हम खुद जाएंगे, हम खुद वहाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया, हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, भगवान हमारे आ रहे हैं, सब धर्म एक है, हमारे हमारे गुरु भी आपके गुरु भी आएंगे वहाँ पे, ये लोग कोई नहीं जा पाएंगे, ये सब कोई नहीं जा पाएंगे, मैं जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा पूरी है इतना राम जी आ रहे हैं कि एक दिन होकर आएंगे, अगले साल अभी ना कभी होके जरूर, अभी 3-4 महीने बाद वहीं जाना है भाई साहब, अगले 3-4 महीने बाद वहीं जाना है मेरे मालिक, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव महाराज, भाई तुम्हारा भाई आ चुका है लोगों से विचार लेकर अयोध्या में राम मंदिर ओपनिंग होने के ऊपर, सबसे विचार लिया भाई, सब लोग इतना खुश है कि भाई साहब कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे राम जी
फिर से आगे एक और बारी, वो कह रहे कि भाई 22 तारीख को बहुत सारे प्रोग्राम होंगे एरिया वाइज लोगों के, और कह रहे कि 22 तारीख को दिए चलाएंगे, बम फाड़ेंगे, दिवाली एक और बारी बनाएंगे। बताओ भाई कितना बढ़िया अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे को लोगों से विचार लेके आओ कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राम जी वापसी आ रहे फिर से। भाई बस ऐसे ही बोलूँगा कि बस ऐसे सपोर्ट करो, तुम्हारा भाई इतने बढ़िया बढ़िया व्लॉग लेकर आएगा आगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए मेरे बेल आइकन को दबा दो, नीचे आ रहा होगा भाई घंटी आ रही है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो भाई बस यही बोलूँगा कि बस मिलते हैं इसी का नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो करना, तब तक के लिए बाबते नब्बा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा व्लॉग। चलो मिलते हैं इसी का नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय बाय। और भाइयों जय श्री राम सारे कमेंट में जरूर लिखना, और मेरी तरफ से भी भाई सबको जय श्री राम। चलो मिलते हैं इसी का नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय बाय।